नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। आपके साथ हूं मैं ज्योति वर्मा। खबर बिहार के भागलपुर जिले से। भागलपुर जिला सहित जिले के सभी प्रखंडों में सरस्वती पूजा का आयोजन काफी धूमधाम से धूप दीप व पुष्प अर्पित कर किया गया। आपको बता दूं कि सरस्वती पूजा शहर के कई छात्रावास सहित कई चौक चौराहे जैसे कि एसएम रोड, मनाली चौक, कोतवाली चौक, सरांच चौक, दरियापुर, बाबू टोला सहित कई चौक चौराहे पर छात्रों छात्राओं द्वारा माँ सरस्वती की पूजा काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दूं कि सरस्वती पूजा को लेकर कई चौक चौराहे पर काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई, जिससे कि सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण माहौल में हो सके। वहीं पंडित अवधेश कुमार आचार्य ने बताया कि सरस्वती पूजा विद्यार्थीगण का प्रसिद्ध पवित्र पर्व है। इस पूजा में सभी विद्यार्थी लोग एकजुट होकर हर्षोल्लास के साथ विद्या की देवी की आराधना करते हैं। किस क्लास में पढ़ती हो? क्लास 8। सरस्वती पूजा क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारे भारत देश में सरस्वती माँ को विद्या की देवी माना जाता है, इसलिए सरस्वती पूजा। कब मनाया जाता है? बसंत पंचमी। आपका अवधेश कुमार आचार्य अवधेश कुमार पंडित अवधेश कुमार जी, पंडित जी ये बताइए कि आज सरस्वती पूजा का अभी विसर्जन हो रहा था, तो ये माँ सरस्वती का जो प्रसिद्ध पर्व है जो कि बिहार में, खासकर बिहार में काफी धूमधाम से मनाया जाता है, विद्यार्थियों के लिए प्रसिद्ध पर्व है, तो यहाँ पर जिस तरह से स्थापना, मूर्ति का स्थापना आप कब करवाए थे और विसर्जन कब किया जाएगा ये बताएं, पूरी जानकारी हमें बताएं। कल पंचमी तिथि को 10/2/2019 को मूर्ति की स्थापना हुई जी, बड़े वैदिक मंत्रों के मंत्रोच्चार के साथ जी जी, और पुनः फिर आज 11/2/2019 को मूर्ति की विसर्जन हुआ, विसर्जन हो गई है। हाँ, और जल विसर्जन कल का प्रोग्राम हम लोग रखे हैं जी, और बड़ी हर्षोल्लास के साथ हम लोग इस पर्व को मनाते हैं, और खास करके ये विद्यार्थी गण का जी अद्भुत ही और पौराणिक पर्व मनाया जाता है, हर्षोल्लास के साथ जी मनाया जाता है और खुशी के साथ माँ सरस्वती से। और इस पर्व को वसंत पंचमी के नाम से भी विख्यात है। हाँ, ये पर्व वसंत पंचमी के, क्योंकि इस दिन पंचमी तिथि है जी, और विद्या की प्राप्ति इसी दिन से शुरू हुई थी जी। भगवान वेद व्यास जी इसी दिन विद्या का उत्थान किए थे जी, जिससे कि हम लोग आज के दिन शुभ मानते हैं और बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मनाते हैं, और इसको तो यथासंग साध्य हम लोग इसका आनंद उठाते हैं। क्या नाम है आपका पंडित जी? पंडित अवधेश कुमार आचार्य। पंडित अवधेश कुमार आचार्य जी, घर? मैं दरियापुर का रहने वाला हूँ, गुरुधाम से जुड़ा हुआ हूँ, जिला भागलपुर बिहार जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए आपका पंडित जी।